हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ेबा निशात है। मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिस्कोमान भवन पटना से इतिहास के विषय में पारा स्नातक उपाधि यानी के मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। मेरा सत्र 2019 से लेकर 2021 तक का था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। जिस अनुभव को मैं आज आपसे साझा करने जा रही हूँ, विद्यार्थी आपको तो पता ही है कि परीक्षा आने वाली है। आपने इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या गलती नहीं करनी है और परीक्षा संबंधित सारी रणनीति पे चर्चा मैं आपसे करने वाली हूँ। मेरा विषय इतिहास है तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इतिहास के विषय में आपकी कोई भी दुविधा बाकी ना रहे और हमारी मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा की गई ये चर्चा आपके परीक्षा में आपके लिए लाभान्वित साबित होगी। देखिए, इतिहास का जो विषय है उसे काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें मायने रखती हैं। पहला, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा क्वेश्चन का जो बॉडी होता है और तीसरा है कंक्लूजन। मतलब ये कि पहले आप किसी भी प्रश्न के उत्तर की शुरुआत आप उसके परिचय से करेंगे, ठीक है। पहले हम उसका परिचय लिखेंगे कि वो क्या चीज़ है ना। जैसे कि एक प्रश्न हम लेते हैं, बलबन के द्वारा प्रतिपादित राजस्व के सिद्धांत की विवेचना करें। तो अब बलबन के द्वारा प्रतिपादित, तो हमें पहले ये बताना होगा कि बलबन थे कौन, ठीक है। फिर हम बलबन का एक कम से कम 9 या 10 लाइन में हम उसका एक परिचय तैयार करेंगे, जिसमें उसका नाम है ना, उसकी काबिलियत और उसका शासन एकदम थोड़ा सा रहेगा मेरे ख्याल से 9 या 10 लाइन का। उसके बाद फिर हम जो पूछ रहा है उस मुद्दे पे तुरंत आ जाएंगे, जैसे कि प्रतिपादित राजस्व के सिद्धांत। अब उसके जो भी सिद्धांत थे, उसके जो भी उसने सिद्धांत को बनाया था उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये कम से कम आपका होना चाहिए 4 पेज में, ठीक है। 4 पेज में आप लिखिए, चार पेज में आप लिखेंगे। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और आप अपना निष्कर्ष देंगे, वो होगा 1 पेज। तो 1 पेज मान लीजिए परिचय, 4 पेज में आपने टू द पॉइंट आंसर बात किया और 5वां पेज आपने अपना निष्कर्ष दिया, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के आपका 6 पेज का आंसर हुआ। और यकीन जानिए इस 3 घंटे के दरमियान में हम एक सवाल का उत्तर 6 पेज से ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हैं। आप कितना भी स्पीड ले लीजिए, हैंडराइटिंग को बचाते हुए अपने आत्मविश्वास के साथ आप 6 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। हाँ, 6 पेज का एक उत्तर होना चाहिए और ये इसी तरह से जाएगा, 1 पेज का परिचय, 4 पेज का टू द पॉइंट आंसर और 1 पेज में आपका निष्कर्ष। ये निष्कर्ष जो है वो हम किताबी भाषा में नहीं लिखेंगे, ये ऑलवेज हम क्या करते हैं, ये हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमने चैप्टर को पढ़ा है या जो हमने बलबन के बारे में हमारी जो जानकारी दिमाग में एक छवि बनी है ना, मैं उस छवि को लिखूँगी। ये मेरा अपना ख्यालात होगा, ये किताबी भाषा में नहीं होगा निष्कर्ष। और ज़्यादातर कॉपीज जो है वो निष्कर्ष के मद्देनज़र देखी जाती है। ज़्यादातर कॉपीज जो है वो निष्कर्ष इसलिए देखा जाता है कि देखिए बच्चे ने क्या एब्जॉर्ब किया है, बच्चे की अपनी छवि क्या बन रही है। तो इस बात का खासम खास ध्यान रखें कि आपके ये जो सवाल के जो जवाब जो बनेंगे इतिहास में, वो तीन चीज़ों को केंद्रित करेगी। पहला, आपका आपके पूछे गए सवाल में दिया गया उस सवाल के मुताबिक आपका परिचय। दूसरा, बीच में जो आप टॉपिक ले रहे हैं, जो सिद्धांत, मेरा मतलब है कि जो बीच का बॉडी, उसका जो मेन टू द पॉइंट। और तीसरा, आपके द्वारा दिया गया निष्कर्ष। इन 3 चीज़ों को लेकर आपके प्रश्न के उत्तर अच्छे बन सकते हैं और आपके जवाब 6 पेज में कम्प्लीट हो जाएंगे और 3 घंटे में आप इस तरह से 5 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। परीक्षा की अगर कॉपी के बारे में बात करें तो ये जो कॉपी की पृष्ठ संख्या वो 40 होती है, ठीक है। तो ये 40 पन्ने की कॉपी आपको मिलेगी और कॉपी के 3rd पेज से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, और आखिरी का लास्ट वाला पेज आप छोड़ देंगे, यानी कि
कॉपी जो आपको मिलेगी वो 40 पन्नों की कॉपी मिलेगी, और इन 40 पन्नों में आप थर्ड पेज जो है कॉपी का थर्ड पेज आप वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉपी के दोनों तरफ मार्जिन होगा और कॉपी के बीचों बीच आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 40 पन्नों तक जाना है। ज़रूरी नहीं है कि अब कॉपी 40 पेज की मिली है तो हम परेशान हो जाएं कि हमें 40 ये पूरी की पूरी कॉपी भर के आनी है, ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। क्योंकि जो भी नंबर आपको मिलेंगे वो आपके लिखे गए जवाब के हिसाब से मिलेंगे, और आपका जो आंसर है वो देखा जाएगा कि कितना बेहतरीन है। बात हम 6 पेज में ही ख़त्म करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ऑडियो में आपको बताया था, तो बिल्कुल वो 6 पेज के ही उत्तर हम लिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 पेज जा सकता है अगर आपका स्पीड ज़्यादा है और आपने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल की है तो, लेकिन 6 पेज में आप ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट न्यू पेज चाहिए नए क्वेश्चन के लिए। न्यू पेज से नया क्वेश्चन लिखेंगे, आपका एक अच्छा सा इम्प्रेशन बनेगा, आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगेगी, और पूरे कॉपी को भरने का कोई जुनून नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बेहतर लिखिए, आप अपने आंसर को कितने अच्छे से सजा सकते हैं, मेन यही इस बात इस ये इस कला में है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपने जो है कि हिस्ट्री ऑनर्स का ये ऑडियो सुना। अगर आप भी एनयू से हैं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर डीएम या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, और आप अपना जो है कि ऑडियो या वीडियो आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको ऑडियो आपको अच्छी लगी हो। एंड एग्ज़ाम जो है कि आने वाले हैं, ठीक है, 2022 के एग्ज़ाम जो है कि कुछ डेट आ चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, और बाकी जो है कि डेट आने वाले हैं, और अंडर ग्रेजुएशन के भी जो है कि एग्ज़ाम जो है कि जल्द से जल्द हो जाएंगे। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन जो है आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग कीजिएगा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि आप लोग जो है कि ज़रूर से ज़रूर जो है कि आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि रिपीट ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके बुक के एक्सरसाइज से ही आएंगे, ठीक है, और आपके प्रीवियस ईयर पेपर से जो है कि रिपीट भी होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, और बुक्स वगैरह भी आप लोग जो है कि एटलीस्ट जो है कि हाफ जो है कि अगर आपके बुक्स में 10 चैप्टर है तो एटलीस्ट जो है कि 5 चैप्टर जो है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से हमें 5 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है कि इतना प्रिपरेशन कीजिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करें। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम जो है कि काफ़ी अच्छे से जाए और आप लोग जो है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है कि एग्ज़ाम दें। एंड इसके अलावा और भी कोई अगर डाउट है आप तो आप हमें कमेंट में जो है कि कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं अगला टॉपिक किस टॉपिक पे होना चाहिए। एंड आई होप आप लोग का एग्ज़ाम जो है अच्छे लगे। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग जो है कि कमेंट आप लोग जरूर करके बताइएगा कैसा आप लोग का एग्ज़ाम गया। एंड इंडिपेंडेंस डे के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू।